मेरे सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं, पर इनसे मैं डरती नहीं, सामना करती हूँ। मेरे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं भी नहीं है, पर मेरा मन जो हमेशा कहता है, हौसला रख, उम्मीद रख, सब अच्छा होगा। अभी तो हमें पढ़ाई करनी होगी। हम तो बोर्ड पे पढ़ाई करेंगे। इधर देखो जानवी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और मैं भी अपना ख्याल रख रही हूँ, मैं भी स्वस्थ हूँ और मज़े में हूँ। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। और सुबह सुबह कितना प्यारा सूरज लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है सच में। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं। तुम देखो कैसे मेरी तरफ ही देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे निहार रहा है क्या। देखो कहाँ गया सन, सन कहाँ गया? मॉर्निंग में वो रहा, आई थिंक दिखा दिखा नहीं दिखा, मुझे भी नहीं दिख रहा। सामने से फॉक्स पड़ रहा है ना मोबाइल पर। दिखा दिखा दिखा, अब दिखा मुझको। तो क्या बात है कि भाभी नहीं थी, छोटी भाभी कल ही आई है, उनका बर्थडे भी था कल, तो शाम की टाइम हमने सेलिब्रेट किया। कल तो मैं सूट नहीं कर पाई, थोड़ी सी छोटी बड़ी भाभी की हेल्प भी कर रही थी उनके साथ काम में, तो पूरे दिन की पता नहीं चल रहा था। अभी समर भी स्टार्ट हो गए, समर वैकेशन बच्चों के, तो मैं मॉर्निंग में ट्यूशन बुला रही हूँ उनको। सुबह 9 बजे आते हैं बच्चे। नीचे बुक्स रखी हुई है मेरी, वहाँ पर नीचे साइड वहाँ पढ़ रही थी मैं। सुबह सुबह जल्दी उठते ही छत पर पहुंच जाती हूँ, अपनी स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ। वही डेली जैसा रूटीन हो रहा है, टाइम टेबल कुछ नया नहीं हो रहा था, तो सोच रही थी ब्लॉग शूट में क्या करूँ, कहाँ क्या ब्लॉग बनाऊँ। बट काफ़ी दिन हो गए थे, फिर मैंने सोचा चलो आज यही वाला रूटीन डाल देती हूँ। सुबह उठते ही जल्दी स्टडी करने चली गई थी, बीच में ब्रेक लेने लगी, ब्रेक में एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी। देखो ये वाली एक्सरसाइज हेयर के लिए, जो हमारे बाल है ना वो बहुत टूटेंगे, झड़ेंगे नहीं अगर ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो। देखते हैं आज क्या क्या सूट होता है। फिलहाल तो ये हो गई इतना ही, अब मैं जाके स्टडी कर लेती हूँ। बिकॉज क्योंकि भाभी थी नहीं यहाँ पे, तो मेरा तो ज़्यादा भागा दौड़ी हो रहा था काम में। बड़ी वाली भाभी की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है ना। एक्चुअली काम एक वजह ये भी थी वीडियो ना शूट ना करने की, कि छोटी वाली भाभी गई हुई थी मायके और काम काफ़ी बढ़ गया था, इस वजह से पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता, पता ही नहीं चलता। सुबह उठते ही स्टडी, उसके बाद काम, और ये फिर वीडियो बनाने की और एडिटिंग करने का मुझे समय ही नहीं मिला। अब जो थोड़ा सा टाइम मिलता है रेस्ट का, तो मैं उस बीच में अपनी वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो भी मेरा रूटीन होता है आया वो मैं शूट कर लेती हूँ। ये सुबह 6:30 या 7 बजे का समय है, जब भाभी चूल्हे पर दूध की पतीली रख के गई थी। उन्होंने कहा था दीदी आप पढ़ रहे हो तो साथ के साथ इसको भी देखते रहना, दूध उबल रहा है कहीं बाहर ना निकल जाए। मैंने कहा ठीक है ओके। फिर क्या है, सुबह सुबह सबकी हलचल स्टार्ट हो जाती है, तो फिर बीच में डिस्टर्ब हो ही जाता है और फिर मैं भी काम में लग जाती हूँ। लेकिन मॉर्निंग में जैसे मैं आई थी समथिंग 4 या 4:30 बजे आई थी मैं छत पर, तो फ़ोन की हेल्प से भी मैं थोड़ा स्टडी करती हूँ, मेरे पास एक ही फ़ोन है, तब मैं सूट नहीं कर पाती, तब मेरा ध्यान सिर्फ स्टडी में रहता है। लेकिन जब मैं वर्क करने स्टार्ट कर देती हूँ या कुछ भी, तो मैं अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और काफ़ी दिन भी हो गए थे ब्लॉग भी शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो वही डेली रूटीन वाला ब्लॉग ऐड कर बना लेती हूँ। अब हो गए, अभी दूध में देखो उफान आने ही वाला है, इसलिए थोड़ी देर में इसके पास ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि दूध का दूध निकल गया ना, मम्मी कहेंगी फिर तेरा क्या फ़ायदा देखने का, भाभी भी कह सकती है, तो इसलिए अब देखो आया 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 दूध। अटेंशन प्लीज, अटेंशन यहाँ रख देती हूँ फटाफट, पानी है नहीं तुम्हें तो दूध को बचाने के लिए फटाफट से मैं अग्नि को बाहर निकाल देती हूँ, और ये इसको इससे हिला देती हूँ क्योंकि पानी नहीं है ना मेरे पास। फिलहाल प्लेट से ही कर दिया मैंने, तो फटाफट जल्दी जल्दी किया ना इसलिए। अभी इसको फिर से मैं अंदर डाल देती हूँ, धुआं देने लगी है। इस लकड़ी को भी अंदर कर देती हूँ, क्योंकि दूध का दूध बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखो अब सारी अग्नि घुस गई है, आँच घुस गई है, अब इसको मैं जला देती हूँ फिर से। चलो कोई बात नहीं,
कचरा बहुत परेशान करती है। ये जल गई आग, अभी जल गया। तो इससे क्या है ना, दूध बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है चूल्हे पर बनने से। देन भाभी मेरे लिए और अपने लिए चाय और ब्रेड ले आई थी, तो मैंने कहा चलो ठंडी होने से पहले चलो चाय भी पी लेते हैं। और मैं अपने पर्स में ढूंढने लगी थी ब्रश और पेस्ट जो मैं छत पर ले आती हूँ अपने साथ ही, तो मैं जा रही थी पेस्ट करने, उसके बाद ही चाय पीते हैं। तो बस यही डेली का रूटीन हो रहा है सच में। अब तो आज तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया था इसलिए मैं वीडियो भी शूट कर पाई, पर पता नहीं इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी हो रही हूँ आजकल। स्टडी में भी बहुत अच्छे से मन लगने लगा है, जो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी ना बीच में, प्रॉब्लम से होने लगी थी, वो सब दूर हो गई है। अब बिल्कुल फोकस अपना लक्ष्य पर है, जो होगा सो देखा जाएगा, और होना होता है वही होता है, सोचने से कुछ नहीं होता, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और उस भरोसे के साथ आगे बढ़ना है। जो होगा अच्छा होगा उसी के अकॉर्डिंग सोचते रहिए और पॉजिटिविटी थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो यह मैंने ब्रश कर लिया और ठंडा ठंडा पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था सुबह सुबह अपने फेस पर डालने में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना इसलिए। तो अब मैं कह भी यही रही थी कि ठंडा पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई, फिर मैंने फ़ोन को बंद करके चार्ज पर लगा दिया थोड़ा, देन मेरा फ़ोन चार्ज हो गया था। फिर मैं नीचे आ रही थी, वही डेली जैसा छत की साफ़ सफाई करने के बाद और नहाने के बाद मैं नीचे आ रही थी, क्योंकि 9 बजने वाले हैं और मेरे ट्यूशन के बच्चे आने वाले हैं। तो मैं फाइनली छत नीचे पहुंच गई, थक गई रे बाबा मैं तो थक गई। रूम में सबसे पहले पहुंचते ही मैंने जलाई लाइट, उसके बाद मैं बेड पर चढ़ी, देन उसके बाद अपने बाल ड्राई करने लगी, बाल पोंछने लगी। और मैं सोच रही थी सुबह 9 बजे जो बच्चे आने वाले हैं ना उन्हें आज इंग्लिश सिखाने वाली हूँ, आज नहीं, मैंने ये जो 30 दिनों का समर वेकेशन हुआ है ना उसमें बच्चों की जो इंग्लिश वीक है उसे स्ट्रॉन्ग करूँगी, और मेरी भी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है उनके साथ मैं अपनी भी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करूँगी। और ये 30 दिन का टारगेट रखा है और मेरी भी प्रैक्टिस होती रहेगी और बच्चों की भी। तो अब अपना लगा देती हूँ फ़ोन चार्ज पर, चार्जर ले आई हूँ और मैं हो जाती हूँ रेडी बच्चे आने से पहले, क्योंकि अब ट्यूशन स्टार्ट हो गया, मॉर्निंग ट्यूशन, बच्चे आ गए। चलिए तो अब हम ट्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब लोग का हो गया दीदी, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, थोड़े बच्चे आ रहे हैं, सब गए छुट्टियां बनाने। अभी एक मतलब सेकंड बैच कह सकते हैं, दूसरा बैच स्टार्ट हो गया, इसमें 4 ही बच्चे हैं बस, अब इन्हें 1 घंटे पढ़ाऊँगी, 10:30 बज गए और 11:30 बजे तक। तो ये छोटे छोटे बच्चे इन्हें बोर्ड पर पढ़ाने वाली हूँ मैं, वहाँ पे कोने की तरफ बोर्ड रखा हुआ है, अभी देखो मैं जाती हूँ सिखाती हूँ आपको। ये थोड़े बच्चे यहाँ रखा है मेरा बोर्ड, तो मैं बच्चों को बोर्ड से पढ़ाने वाली हूँ, छोटे बच्चे हैं और वैसे ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, 4 ही बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है ना उसका नाम है सनी, और जो ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी है उसका नाम है कृष्णा। ये दोनों ही बच्चे दिव्यांग हैं, कृष्णा तो बोल नहीं सकता और जो सनी है ना उसके पैरों में प्रॉब्लम है, वो पैरों से जैसे मुझे समझ सकते हैं दिव्यांग है वो, और थोड़ा दिमाग की क्षमता भी उसकी कम है औरों के मुकाबले, लर्न भी इतनी जल्दी नहीं करता और वो भूल भी जाता है जो भी याद करता है, लेकिन पढ़ने के प्रति उसका मन और हौसला मुझे लगता है दूसरों के मुकाबले और अधिक है। उसको देखकर मुझे अपना बचपन याद आता है, मेरी तरह एकदम एक्साइट रहता है हमेशा ऑलवेज पढ़ाई करने के लिए, एक दिन तो ट्यूशन की छुट्टी नहीं लेता ये समझ लीजिए, ऐसे ही मेरा मन होता था। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आती थी, प्रॉब्लम होती थी जिस कारण मुझे छुट्टी लेनी पड़ती थी, वो बात याद आती है तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि क्यों मैं इन कारणों की वजह से छुट्टी लेनी पड़ती थी। चलो कोई नहीं, जो दिन निकल गया उसको छोड़िए, तो लेकिन आगे बढ़ना है। और सच में ये कृष्णा है ना, मैं मतलब जो सनी है ना उसकी बातों उससे बातें कर करके मैं उनसे पढ़ाती हूँ, तो उसका मन इतना अच्छा लगता है ना बहुत ही ज़्यादा, और उनकी फीलिंग को भी मैं बिल्कुल समझती हूँ। और इनके पेरेंट्स भी है ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सच में दीदी आप ये कैसे बच्चे हैं, आपसे एक भी दिन अब्सेंट लेने की कोशिश नहीं करते छुट्टी, मतलब हमें ऑलवेज हम इनकी प्रेजेंट होती है ट्यूशन में, और बोलेंगे भी जब भी फीवर आ जाता है ना तो इनकी दादी बोलेंगी बेटा आज रहने दो ट्यूशन नहीं जाना, बट नहीं रोने लगेगा सनी तो। मैंने कहा कोई नहीं, बच्चे का मन होता है और
और फिर मैं उनके मन को समझती हूँ, उनके मन के अकॉर्डिंग उन्हें समझाती हूँ, तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ आता है। स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं, टीचर सबके सबको हैंडल करने में इतनी बिजी हो जाती हैं, तो इन पर स्पेशल ध्यान नहीं दे पाते। बिकॉज़ मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे भी याद है, मैं बहुत कुछ टीचर से कहना चाहती थी, वो मेरी सुनती नहीं थी और मुझे समझती भी नहीं थी मेरी फीलिंग को। ऐसा नहीं है, वो अच्छी होती हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, तो 40 बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ही संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं समझती हूँ, ट्यूशन टीचर ही सही ऐसा है, तो मैं बिल्कुल समझती हूँ बच्चों को हैंडल करना बहुत ही बड़ी बात होती है और उन्हें समझना भी। बच्चों के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर मैं रेस्ट करने लगी। रेस्ट करने के बाद ये है दोपहर का समय, खाना पीना खा के सब लोग फ्री हो गए, फैमिली मीटिंग भी हो गई, फैमिली के साथ बैठ के मीटिंग होती है दोपहर के समय, वही उनके साथ टाइम स्पेंड करना। देन फिर मेरे पास ये थोड़ा सा काम था, पानी बोतल भरना, उन्हें फ्रिज तक ले जाना, यही होता है दिन में समथिंग, ये समझ लो 5 बार तो ऐसे ही होता है, 5-6 बार पानी की बोतल ख़त्म भरी। या रास्ते में मुझे भाभी मिल गई, उन्होंने पास किया कि लाओ दीदी मैं आपकी हेल्प करूँ, तो वो बोतलों को फ्रिज तक ले जा रही थी। तो ऐसे करके पानी की बोतल भरने के बाद ये दोपहर का समय ख़त्म हुआ, फिर मैं चली गई थी स्टडी करने के लिए। अब मिलती हूँ शाम को। तो ये है शाम का समय और मैं कुछ बोल रही थी, मैंने तो अच्छे से बोल कर वीडियो शूट की थी, पता नहीं मेरे फ़ोन में या क्या दिक्कत हो गई थी। तो ये वो क्या है पता है, आइसक्रीम की ढकेल। तो आइसक्रीम वाला आया था, मैं और पार्थ बैठे हुए थे, यहाँ पार्थ गया दौड़ा दौड़ा आइसक्रीम लेने, लेकिन जस्ट मैंने अभी चाय पी थी इस वजह से मैंने आइसक्रीम नहीं ली। तो ये जो मेरे हाथ में पर्दे मतलब चद्दर लग बनी हुई है, मैं जा रही थी प्लॉट पर और ये सुविधा गए हैं, इनको लेकर जा रही थी, पापा ने कुछ काम बताया था तो वही मैं आज ख़त्म करने वाली हूँ। प्लॉट पर जा रही हूँ भाई के साथ और ये प्लॉट पर पहुँचते ही मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था, बट मैं सूट नहीं किया था क्योंकि पापा थे, पापा के सामने किया था। सामने बच्चे पतंग उड़ा रहे थे अपनी छत पर, तो वही मैं आपको दिखा रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चों की पतंग गिर गई थी, पार्थ पकड़ने वाला था, उससे पहले उन्होंने ले ली। और देखो पार्थ ने, मैं लेके जा रही थी ना सुई धागे से कुछ कपड़े से मैंने सिला था, तो उसने मेरे बालों में लगा दिया। अब जाने के लिए हम रेडी हैं वापस, कुछ भी सूट नहीं कर पाई मैं, पापा के सामने नहीं फ़ोन ऑन किया था मैंने। तो भाई बैठा हुआ है बाइक पर और बोल रहा है चलो दीदी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो देखो मैं, देख सकते हैं अब मैं बाइक पे किस तरीके से बैठती हूँ। पार्थ बोल रहा था मैं बैठूँगा, मैंने कहा नहीं बेटा पहले मुझे बैठने दो उसके बाद आप बैठना। तो बैठते ही मैंने पार्थ से कहा पार्थ फ़ोन रखा है जाके लेकर आओ, तो पार्थ आ गया फ़ोन लेने। देन आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें, थोड़ा सा आगे बढ़ाएँ। बस यही है, बस यही होती है सुबह शाम की मेहनत। मेरा तो आज का दिन ऐसा ही गया, ब्लॉग को शूट करने के लिए कुछ नया नहीं था, बस यही था। तो रास्ते में कुछ बॉयज़ थे जो सेकंड बाइक पर बैठे थे, वो मुझे देख रहे थे, मुझे बहुत तेज़ से हंसी आ गई। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, सी यू।